हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गीतांश आईटी क्लास। गीतांश आईटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है, गीतांश आईटी क्लास एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है, जो है लिब्रे ऑफिस। और लिब्रे ऑफिस की फर्स्ट क्लास कल हो चुकी थी, जिसमें फाइल का क्लोज ऑप्शन तक हमने करा दिया था। अब उसके बाद आता है विजार्ड। विजार्ड बेसिकली है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम किसी को लेटर भेजना चाहते हैं, फैक्स भेजना चाहते हैं, या कोई एजेंडा क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए विजार्ड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कोई लेटर भेजना है, तो हमने लेटर को क्लिक किया। क्लिक करते ही देखना, यहाँ पे लेटर विजार्ड ओपन हो गया। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इनको हम फुलफिल करेंगे तो जो आपका लेटर है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग हो जाएगा। अलग से कोई फॉर्मेट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद आते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट बेसिकली वही है जैसे एमएस वर्ड में होता था। यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, बट इसमें एक नया ऑप्शन है, मैनेज टेम्पलेट। यहाँ पे आप टेम्पलेट को मैनेज भी कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये हमेशा जो शॉर्टकट्स की हैं एग्ज़ाम में आती हैं, तो इनको नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अब उसके बाद आता है रीलोड। रीलोड, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है उसको आप रीलोड करना चाहते हैं, तो उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको रीलोड कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्जन। वर्जन में बेसिकली वर्क क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने वर्जन को क्लिक किया, वर्जन को क्लिक करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आता है न्यू वर्जन के नाम से। तो यहाँ पे हमने जैसे कोई भी काम किया है, उसमें एडिटिंग किया है, या मतलब कोई डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, जितना भी हमने काम किया है, हम ये सोचते हैं ये हमारा ओके है, तो हम इसको कुछ भी नाम दे करके, जैसे कि अब हम यहाँ पे न्यू वर्जन करेंगे। न्यू वर्जन में हमने कोई भी एक एक्स वाई जेड नाम दिया, ओके कर दिया, तो जो हमारा वर्जन है वो इस नाम से सेव हो गया, क्योंकि हमें पता था कि जो हमने अभी तक काम किया है, डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, वो हमारा यहाँ पे ओके है। बट फर्दर हम उसमें चाहते हैं कि अब इसमें हम कुछ चेंजेस कर दें, या कुछ हम इसमें ऐड कर दें। अब हमने उसमें ऐड भी कर दिया है, सब कुछ कर दिया, पर हमें लगा कि बट जो हमने शुरू में काम किया था, जो इस नाम के वर्जन से हमने उसको सेव किया था, वही हमारा बेस्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस वर्जन पे जाके क्लिक करेंगे, तो जो इसमें हमने पहले एडिट किया, मतलब बाद में एडिट किया था, वो सब हट जाएगा, बट उससे पहले जितना भी आपने इसमें फॉर्मेटिंग की है या जितना भी अपना बेस्ट दिया है, वो कुछ भी इसमें से मिस नहीं होगा। तो इस वर्जन का इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर्स है ये, क्योंकि जितना हमें लगता है कि ये हमारा बेस्ट है, तो हम उसको सेव कर लेते हैं न्यू वर्जन के नाम से। उसमें अगर हम कुछ फर्दर ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद में हमें लगता है कि भाई जो हमारा पहले था वो हमारा बेस्ट है, तो हम उसको क्लिक करेंगे, आपके पास में जो वर्जन के नाम का जितना भी हमने काम किया था वो आपके पास रहेगा, उसमें से कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव और सेव एज। ये एक नॉर्मल है, जैसे आपने वर्ड एमएस एक्सेल पावर पॉइंट में देखा ही होगा कि जैसे हम कोई फाइल को सेव करते हैं किसी नाम से, तो हम कंट्रोल एस कर सकते हैं। ऐसे ही इसकी मतलब सेव की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एस है, सेव एज की कंट्रोल प्लस स्विफ्ट प्लस एस है। बट उसके बाद जो ऑप्शन आता है सेव रिमोट, सेव रिमोट बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट इससे पहले मैंने आपको बताया था ओपन रिमोट। जैसे हमने कोई अपना डॉक्यूमेंट है वो गूगल ड्राइव में या वन ड्राइव में सेव किया हुआ है, तो हम यहाँ पे ओपन रिमोट से ओपन करते थे। बट जब हम उसको सेव करते हैं, तो हम यहाँ से करते हैं सेव रिमोट से। जैसे हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया, मैनेज सर्विस में गए, मैनेज सर्विस में ऐड सर्विस में गए, ऐड सर्विस में जाते हैं यहाँ पे टाइप आता है, जैसे गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, जिस भी ड्राइव में आप उसको सेव करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे, और वो उस ड्राइव में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सेव ए कॉपी। आप अपने डॉक्यूमेंट की कॉपियाँ और बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी आप बना सकते हो। सेव ऑल, आप जितना भी डॉक्यूमेंट या यहाँ पे कंटेंट हमने रखा हुआ है उसको हम सेव ऑल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेव ऑल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारा अनटाइटल वन जो हमारी फाइल का नाम है वो आ रहा है, उससे बाद में आ रहा है सेव एज टाइप, मतलब आप किस टाइप से उसको सेव करना चाहते हो, पीडीएफ में करना चाहते हो, जेपीजी में करना चाहते हो, जिसमें भी आप करना चाहते हो, आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके सीधा सेव कर सकते हो। उसके बाद में जो ऑप्शन है एक्सपोर्ट एस, यहाँ पे हम डायरेक्ट जैसे पीडीएफ में जाना चाहें, पीडीएफ यहाँ पे भी डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना चाहें, जिस भी अपने डॉक्यूमेंट को जिस वे में आप उसको कन्वर्ट करना चाहें, यहाँ पे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेंड। यहाँ से जैसे हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है, हम उसको सेंड करना चाहते हैं मेल के थ्रू या किसी, तो हम यहाँ पे उसको सीधा मेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है प्रीव्यू। प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र, आप जो आपका
डॉक्यूमेंट है वो किस ब्राउज़र पे ओपन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू आपने जितना भी डाटा बनाया है या तुम्हारा डॉक्यूमेंट है आप उसको प्रीव्यू करना चाहते हो, प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ से कर सकते हो। उसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ है। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो जो हमने यहाँ पे अगर लिखा हुआ होता तो यहाँ पे आपका जो प्रिंट है वो यहाँ पे दिख जाता है। एस्केप से हम वापस आ जाएंगे। उसके बाद आता है प्रिंट। अगर आप प्रिंट देना चाहते हो तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को या जो तुम्हारा वर्क यहाँ पे किया हुआ है उसको आप प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो यहाँ पे प्रिंट आप कर सकते हो। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंटर सेटिंग। यहाँ से आप प्रिंटर सेटिंग कर सकते हो, बट मेरे पास यहाँ पे कोई प्रिंटर नहीं है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे सेटिंग नहीं दिखा पाऊँगा। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में आप जो डॉक्यूमेंट है आपका उसकी आप यहाँ से प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे डिटेल में ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद में आता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे जैसे कोई आप ट्रिपल सी का या मतलब कोई डिजिटल सिग्नेचर आप अपने डॉक्यूमेंट पे क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो, बट यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं खुल पाएगा मेरा क्योंकि मैंने कोई डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट नहीं किया हुआ है। उसके बाद आता है एग्जिट। तो आप जैसे लिब्रे ऑफिस से एग्जिट करना चाहते हो तो यहाँ पे कंट्रोल क्यू आप कर सकते हो। जो मैंने आपको बार बार बताया कि जो शॉर्टकट्स की हैं ये हमेशा याद रखें क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर आप पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज करना चाहते हो तो कंट्रोल क्यों कर सकते हो आप, या जैसे कि आप जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या है राइटर खोला हुआ है, अगर हम राइटर को या जो है कैल्क को इनको बंद करना चाहते, जैसे ही हम कंट्रोल डब्लू करेंगे तो जो हमारा ये राइटर डॉक्यूमेंट ओपन है ये क्लोज हो जाएगा। जैसे हमने इसको कंट्रोल डब्लू किया तो अब जैसे पूछ रहा है कि आपको फाइल सेव करनी है या नहीं करनी है, जैसे मेरे को नहीं करनी तो डोंट सेव कर दिया, तो जो राइटर डॉक्यूमेंट था वो क्लोज हो गया है, बट जो हमारा लिब्रे ऑफिस है वो ओपन है। अब इसको भी हम क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल क्यू करके हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जो अब तक फर्स्ट और सेकंड जो हमारी क्लास हुई है, सेकंड क्लास में हमने फाइल को पूरा कंप्लीट करा दिया है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें एडिट को कंप्लीट कराएंगे। तो आई होप हमारी जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।